here we

तो एक लेवल बता दिया यहां पर एक एक्सट्रीम पॉइंट बता दिया कि कोई कितना ज्यादा फूल हो सकता है बेवकूफ हो सकता है तो यहाँ हम जैसे कि टाइटल देख सकते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी हम यहाँ एक ऐसे किंगडम में एक ऐसे राज्य में जाने वाले हैं जहाँ पर सब के सब क्या है फूल्स हैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटेलिजेंट हो वाइस हो नहीं हर कोई क्या है बेवकूफ है फूल है और उस वजह से कैसे ये पूरा किंगडम चल रहा है या किस तरीके से वो उस किंगडम को रन कर रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही साथ ही साथ हमें ये समझ आएगा कि किसी भी फूल के साथ डील करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन की जरूरत है तब ही किसी भी फूल के साथ गोइंग टू रीड तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे भी इनकी बहुत ज्यादा स्टोरीज का एक कलेक्शन है उसमें से एक स्टोरी है जो हमें बताई जाएगी डन सो दिस स्टोरी वॉज नॉट ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश दैट ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड टू स्टार्ट और रीड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर फिर आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है जिसके बाद ही हम फर्स्ट पैराग्राफ से बिगिन करेंगे स्टोरी को क्लियर ऑल राइट तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑथर और राइटर ऑफ दिस स्टोरी सो ए के रामानुजन वॉज बॉर्न ऑन मार्च एंड लेफ्ट वर्ल्ड ऑन जुलाई ही एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ तो ये जो हैं बहुत है बहुत ज्यादा फेमस इंडियन पोएट भी हैं और ऑथर भी रह चुके हैं ऑफ इंडियन लिटरेचर और ये जो स्टोरीज या पोएम्स हैं उनको किस में लिखते थे इंग्लिश में भी और कन्नड़ लैंग्वेज में भी जो कर्नाटका की एक लैंग्वेज है फिर प्लेज लिखने हो प्ले राइट रह चुके हैं फोक लॉरिस्ट हैं जैसे फोक्स होते हैं ना वो सब कुछ भी लिख चुके हैं सो हीस लाइफ

After generation stories run करती हैं, उसे कहते हो तो यहाँ ए के फ्रॉम इंडिया जो है ये लिखा था और इसमें से ही एक स्टोरी जो है हम देखने वाले हैं दैट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स ओरिजिनली रिटर्न इन कन्नड़ बट देन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश

बट उनके साथ डील करने के लिए भी किसी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइस पर्सन की जरूरत है यही हमें यहाँ पता चलेगा फिर हमें ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ये जानना है कि हु आर द फूल्स इन द स्टोरी स्टोरी में कौन है जो फूल्स हैं ऑलरेडी हम जानते हैं किंग द मिनिस्टर्स एवरीबडीज फूल इन दिस किंगडम तो वही हमें बताना है एंड हैल्सो क्या होता है उनके साथ एग्जैक्टली यू नो बिकॉज ऑफ दूल इज नेचर क्या वो खुद सफर करते हैं या फिर कुछ अलग चीज होती है वो सब हमें देखने को

और रात को हम क्या करते हैं सोते हैं तो वो काम हम दिन में करेंगे तो ऐसे उन्होंने स्विच कर दिया डिसीजन लिया कि रात को दिन में और दिन को रात में हम चेंज कर देंगे सो दे ऑर्डर शुड बी अवेक एट नाइट हर किसी को रात में जागना है कोई भी नहीं सो सकता रात में टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क टिल का मतलब होता है कल्टीवेट करना प्लोइंग ऑफ फील्ड तो वो उन्होंने बोला कि अगर खेत का भी काम है फील्ड का भी काम है जो दिन में किया जाता है वो भी तुम रात में करोगे और सारे अपने बिजनेसेस जो हैं जैसे किसी की शॉप है किसी ने कुछ काम करता है कोई वो सारे काम जो है रात में यानी आफ्टर डार्क होंगे एंड गो टू बैड सुन और जैसे ही सूरज निकलेगा जैसे ही सनराइज होगा सूरज की रोशनी होगी तब सबको सो जाना है तो इस किंगडम में सब उल्टा होता था रात का काम दिन में दिन का काम रात में होने लगा एनी वन वोबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ और अगर किसी ने कोशिश की कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है हमारा काम जो दिन का है हम रात में करेंगे रात का काम दिन में करेंगे ऐसी चीजें थोड़ी ना हो सकती हैं अगर किसी ने डिस करने की कोशिश की तो उस पर्सन को सीधे डेथ की पनिशमेंट मिल जाती थी दैट दिस पर्सन शुड बी टिल डेथ यानी उस पर्सन को फांसी लगा दी जाती थी या किसी और तरीके से उनको मार दिया जाता था सो so, इस किंगडम में कितने बड़े फूल्स हैं वो तो हमें अभी से ही समझ आ गया पहले ही पैराग्राफ में कि रात को दिन और दिन को रात में चेंज कर देना और इस तरीके के काम करवाना एंड ऑल्सो अगर किसी ने अपना स्टैंड लिया तो उसको डेथ का वर्डिक्ट दे देना दैट इज समथिंग जो इस किंगडम में होता था डन ऑल राइट पीपल डिड एज देर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ और सारे लोग यही कर रहे थे जैसे कि उनको बोला गया था भाई क्योंकि डर मरने से हर किसी को डर लगता है राइट right? तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ बिकॉजेज डिड वेव एजर टू देर नॉ दिंग एंड द मिनिस्टर वो डिलइटेड एट दक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट और किंग ऑफ मिनिस्टर बड़े खुश लगे पड़े दे आर लाइक क्या बात है हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है वी आर वेरी हैप्पी की हमने जैसे बोला रात को दिन दिन को रात में चेंज करना दिस इज अ वेरी नाइस डिसीजन जो हमने लिया है वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द एक दिन क्या होता है एक गुरु गुरु का मतलब क्या होता है सेंट यानी जो पंडित होते हैं जो विद्वान होते हैं जैसे आप हिंदी में कहते हैं तो एक गुरु और उनके शिष्य यानी डिसिपल जो हैं वो इस सिटी में इस किंगडम में एंटर करते हैं इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी ये बहुत ही beautiful सिटी थी इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो about. अबाउट बिल्कुल डे लाइट थी सुबह हो रही थी और उस वक्त उनको दिखता है कि कोई भी नहीं है यानी कि जब सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए थे स्ट्रीट में तब कोई भी नहीं था अब भाई इन्हें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे क्या होता है दिन में लोग सोते हैं रात में काम करते हैं तो ये भी शौक थे कि भाई यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है एवरी वन वॉज अ स्लीप नॉट और सब सो रहे थे यानी इवन एक चूहा जो होता है एक माउस जो होता है वो भी रन करते हुए नहीं दिखा यानी नो बडी वॉज सीन वेदर इट वॉज एन इंसेक्ट एनिमल और ह्यूमन तो ये लोग जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि वॉट इज द इश्यू वाई देर इज नो वन इन सच अ डे लाइट फॉलो कर लिया था की आदत डाल दी थी और रात को जागने की आदत डाल दी गई थी इवन एनिमल मेड टू फॉलो दिस रूल तो ये देखकर ये सेंट और ये डिसाइपल सोच रहे थे कि भाई ये क्या है मतलब हर जगह ऐसे थोड़ी ना होता है दिन में तो सब लोग होते हैं हर कोई जो है काम कर रहा होता है बट यहाँ पे सब सो रहे हैं The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. और फिर क्या हुआ ये दोनों strangers जो हैं क्योंकि नहीं जानते ना इस city को तो ये बहुत amazed थे बहुत ज़्यादा surprised थे and by what they saw around them. और किस चीज़ से surprised थे कि इन्होंने जो कुछ भी देखा कि वे ऐसे कैसे हो रहा है कि कोई भी नहीं है दिन के टाइम पे सब सो रहे हैं। और जैसे अंधेरा हो गया डार्क हो गया तो सब लोग जो है उठ गए और अपने रात के काम रात के टाइम पे क्या करने लगे सारे अपने काम करने लगे सबने अपनी दुकानें खोल ली सब अपना फील्ड का काम कर रहे हैं लोग बाहर आ गए यानी जो दिन में काम होते हैं वो सब रात में करने लगे तो अब ये जब देखेंगे ये जो सेंट हैं या जो गुरु हैं और डिसाइपल लेट्स सी इनका क्या रिएक्शन होता है The the two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. वेट दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे गुरु और जो डिसाइपल हैं कुछ खाया नहीं है कुछ था भी नहीं जहाँ से वो कुछ खरीद सकते हैं तो जैसे ही अंधेरा होता है सब अपना काम वाम करने लगते हैं, तो सबकी शॉप्स भी खुल जाती हैं। तो finally इनको इतनी भूख लगती कि कि हाँ है, है वगरा, वगरा कि इन्होंने To their astonishment, they they found that that everything the the same. A single doo -doo. Whether they bought a a a single whether bought measure of of rice or a bunch of banana, it's cost It so, It is money in language. It might be that I'm not pronouncing the way टू वैसे एस्टोनिशमेंट एवरीउंस किया जाता होगा कन्नड़ लैंग्वेज में तो so, यहां पर यह बोला गया है कि, ये लोग हो गए, गुरु और क्या कि कुछ भी खरीदे ये लोग, उसका एक सिंगल ही पैसे लग रहे थे सेम था, भले ही वो चावल खरीदे या फिर बहुत सारे बनाना खरीदे कुछ भी खरीदो सब का प्राइस एक ही था तो ये भी वो थे भी, ये कैसा ले रहा है, कोई, या फिर वो कितना आता है किस तरीके से बेचते थे तो यहां सबसे पहली चीज तो ये थी कि डे को नाइट में नाइट को डे में चेंज कर देना नंबर टू यहां पे हर एक चीज के जो पैसे था या कॉस्ट था वो क्या था सेम था तो ये सब चीजें देखकर भी गुरु और जो डिसाइपल है वो शॉकड हो जाते हैं

राज्य है तो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहना जो है वो सही नहीं होगा सो गुरु केम टू अंक्लूजन की हमें अब ये जगह छोड़ के चली जानी चाहिए बिकॉज दिस इज अंगडम ऑफ फूल्स सो टू स्टेयर फॉर लॉन्ग इज समथिंग जो कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. तो गुरु जो है वो डिसाइपल को अपने शिष्य को बोलते हैं भाई ये जगह अपने लिए सही नहीं है चलो हमें कहीं और जाना चाहिए या फिर let's go away from this place.

तो गुरु उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई they are all fools. ये लोग सब बेवकूफ हैं तो यहाँ पर रहना हमारे लिए सही नहीं है बट ऑब्वियसली जिसे खाने का लगा हुआ है दिमाग में कि अच्छा खाना मिलेगा सस्ते में मिलेगा तो मुझे तो यहीं पर रुकना है गुरु फिर बोलते हैं दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट बट द डिसम तो गुरु का एक बहुत ही सही चीज थी कि देखो ये लोग हैं किंगडम ऑफ फूल्स ठीक है तो ये लोग क्या करेंगे और कर दे तो पता राइट कुछ भी कर सकते हैं तो तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें जो है बहुत टाइम तक ऐसी ही नहीं रहेंगी दे आर गोइंग टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू देअर विल एंड विश सो तुम्हें जो है यहाँ पे रहने का डिसीजन चेंज करना चाहिए बट डिसाइपल जो है वो सुन ही नहीं रहते गुरु जो

The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat and ghee rice wheat grew fast like a street side sacred bull. तो so, जो disciple था वो नहीं गया चीजें खाई अपनी मर्जी से वो bananas खाता था वो ghee rice खाता था गेहूँ खाता wheat यानी कि रोटी चपाती वगैरह खाता था grew fast like a street side sacred bull. और जैसे street side के bull नहीं होते हैं जैसे बाहर कोई खाना खिलाता है उनको मोटे ताजे हो जाते हैं वैसे ही ये डिसाइपल भी जो है बहुत ज्यादा फैट हो गया था बहुत ज्यादा ओबीज हो गया था क्योंकि वो मस्त तरीके से डेली जो है इतना सारा खाना खाता था

और जैसे ही वो थीफ जो है वो एंटर होने वाला था इस घर में क्योंकि उसने होल बनाया था वॉल पे अब वो घर बहुत पुराना था बहुत वीक हो चुका था तो जैसे उसने होल बनाया वो 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 एंटर हुआ तो पूरा पूरा का पूरा घर जो है कोलैप्स हो गया गिर गया गिर और इस वजह से वो जो थीप है वो उस घर के नीचे यानी कि जब वो कोलैप्स हो गया ढह गया तो उसके नीचे आ गया ही डेड सो आगे थी मोर तो यहां से स्टोरी बिगिन होती है कि अब इसका क्या होगा किस तरीके से यू नो एक सॉर्ट ऑफ एक बोल सकते हो कार्रवाई चलने वाली है कि किसको हम ब्लेम करें की वजह से उस की डेथ हुई है है तो तो एक बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी तक क्योंकि जैसे होते हैं लोग वैसे ये लोग नहीं रह रहे थे, ये लोगों ने अपने रूल्स बना के रखे थे जो कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बनाएगा सो so तक हमको क्लियर हो गया है. तो ये जहां पर ये की डेथ हो है आगे क्या होने वाला है लेट्स रीड अबाउट इट So तो ंग के पास और उनसे जाके प्लीड करता है रिक्वेस्ट करता है योर हाइनस जब मेरा भाई जो है क्या कर रहा था परस्यू यानी कि फॉलो कर रहा था कर रहा था अपना एंशियन ट्रेड एंशियन ट्रेड का मतलब थेफ्ट यानी कि जो हमारा एक पूर्वजों के टाइम से जो काम चला रहा है बिजनेस चला रहा है नहीं चोरी करना तो यहाँ क्या बोला उसने एंशियंट ट्रेड यानी भाई ये हमारा क्या है ये हमारा इतने टाइम का चला आ रहा जो हमारा बिजनेस है खानदानी बिजनेस वो है चोरी करना तो जब मेरा भाई जो है अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम उसी वक्त वो वॉल जो है दीवार जो है वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम एंड देन ही लाइक कि जो मर्चेंट का घर था उस मर्चेंट को ब्लेम कर रहा हूं कि दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम इस मर्चेंट की वजह से ही मेरे भाई की डेथ हुई है ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल यू मस्ट पनिश दी रोंग डूअर एंड कम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस तो वो क्या बोलता है कि ये जो है मर्चेंट इसको एक अच्छा घर बनाना चाहिए था एक बड़ा सा घर प्रॉपर घर अच्छे से मटेरियल यूज करना चाहिए था इस तरीके से एक वीक घर नहीं बनाना चाहिए था जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई और आपको रोंग डूअर जिसने गलती करी है उसको जरूर पनिश करना चाहिए अब बताओ भाई चोरी किसने की इसके भाई ने तो वो रोंग डूअर नहीं है रोंग डूअर कौन है ये

किंग बोलते अब किंग का क्या डिसीजन इस पे क्या वो भी कन्विंस हो गए हैं कि हाँ भाई इसको जो है पनिश करना चाहिए so तो न्याय मिलेगा तुमको जस्टिस बिल्कुल होगा नॉट वरी और उसी वक्त उन्होंने समन बुला लिया मर्चेंट था जो बिजनेसमैन था जिसका वो घर था उसी वक्त उन्होंने डिसीजन लिया किंग ने कि के लाओ यानी किंग भी इतने

क्या होता है जैसे ही मर्चेंट या बिजनेस आता है किंगडम में तो उस वक्त किंग जो है उनको बोलते हैं ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है तो वो जो है अपना नाम बताते हैं जो कुछ भी हम हाँ मेंशन नहीं है तो मर्चेंट अपना नाम बताते हैं योर वर यू एट होम वे डेड मैन बर्गलड यूर हाउस तो वो बोलते हैं क्या तुम तो उस वक्त घर पे थे जब जो ये डेड मैन था, था वो तुम्हारे घर पेगली एंटर करके चोरी करने की कोशिश कर रहा था वॉल इट फेल ऑन हेम तो वो बोलते हैं कि हाँ लॉर्ड बिल्कुल उसी वक्त में घर पे था और क्योंकि इसने उस वॉल में होल बनाया था और वो वॉल वीक थी तो वो उस पर गिर गई पूरा घर नहीं गिराया वो वॉल गिरी है ठीक है तो वो बोलते हैं पूरा का पूरा वॉल जो है उस पर गिर गया और

Who is that, my lord? This wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो ये जो king है पूछता है अच्छा ठीक है बताओ कौन है मतलब वो convince भी हो गए हाँ ठीक है तुम्हारी तो गलती नहीं है जिसने ये वॉल बनाई है उसकी गलती है तो वो पूछते बताओ भाई वो कौन है तो ये किंग बोलते हैं माय लॉर्ड वो मैं उसको जानता तो नहीं हूँ पर्सनली मतलब मैंने नहीं बनवाया था बट मेरे पापा के टाइम का ये घर बना हुआ है और मैं जानता हूँ कि वो पर्सन कौन है वो बहुत ओल्ड है एंड ही लिव नियर बाय तो वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं और हमारे घर के पास यहाँ फिर यहाँ पर पास में ही रहते हैं एंड आई नो कि वो कौन है जिसने मेरे पापा के टाइम पर घर की वॉल बनाई थी क्लियर ऑल राइट the king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall bricklayer का मतलब होता है person who lays the bricks and build the walls जो ईटे रखते हैं brick को layer पे रखते हैं और फिर उसको properly wall की फॉर्म में बनाते हैं तो वो जो किंग है भाई वो समझ गए कि भाई गलती किसकी है ब्रिकलेयर की है यानी उसने जो है दीवार सही से नहीं बनाई इस वजह से उस thief की मौत हो गई जो he is the one who was the killer तो वो बोलते हैं कि वो अपने messengers को भेजते हैं जो भी लोग हैं वो जाते हैं और उस bricklayer को लाने का, का काम करते हैं They brought him tied hand and foot. वो जाते हैं bricklayer को लेकर आते हैं उसके हाथ पैर सब बांध कर फिर उसको लेके आते हैं। You there, did you build this man's wall in his father's time? तो किंग जो है वो उससे पूछते हैं bricklayer से कि क्या तुमने इस मर्चेंट के इस पर्सन के फादर के टाइम पे ये वॉल बनाई थी? So the bricklayer answered, Yes, my lord, I did. तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने की, मैंने बनाई ये दीवार। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and किल्ड हिम तो वो बोलते हैं कि भाई किस तरीके की वॉल तुमने बनाई है जो किंग है जो राजा है वो बोलते हैं इसको ब्रिकलेयर को कि तुमने किस तरीके की वॉल बनाई है और इस वॉल की वजह से इस पर्सन का जो भाई है दैट पुअर मैन ही वाज किल्ड भाई काय का पुअर मैन वो चोर था बट किंग को तो समझ आता नहीं तो ही वाज लाइक वो बेचारा इंसान जो है वो मर गया इस वॉल के नीचे आकर दैट्स व्हाई तुम क्या हो तुम एक मर्डरर हो यू आर द किलर यू हैव मर्डर्ड हिम वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ तो तुमने मर्डर किया है हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ क्योंकि तुमने क्या किया है भाई मर्डर किया है क्लियर ऑल राइट बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पोअर ब्रिक लेयर प्लीडेड अब ये भी कुछ एक चीज बोलेंगे तो इसके पहले की एग्जीक्यूशन यानी कि फाइनली डेथ का वर्डेड यानी मार दिया जाता उस ब्रिक को वो प्लीड करने लगते हैं वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्या रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स कि प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए इसके पहले कि आप ऑर्डर्स दें उसके पहले प्लीज आप मेरी एक मिनट के लिए बात सुन लीजिए इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैंने ये वॉल बनाई है और ये वॉल इतनी प्रॉपरली नहीं बनी है जैसे कि वो बननी चाहिए थी बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था जब मैं ये वॉल बना रहा था वो ब्रिकलेर कहते हैं तो मेरा ध्यान नहीं था अब वो किसकी वजह से ध्यान नहीं था उसकी गलती है भाई जिसकी वजह से ये वॉल अच्छी नहीं बनी तो आप उसको पनिश करो सो आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुड नॉट कीप माय आईज और माय माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग तो ब्रिक ब्रिकलेयर क्या बोलते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो डांस वगैरह करती है किंगडम में वो जो है बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही थी एक जगह पे और उनकी जो एंकलेट है जो पायल है उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था जो घुगरू होता है

फोकस नहीं था काम पे क्यों नहीं था बिकॉज ऑफ दिस वुमेन तो जो ये डांसिंग गर्ल है उसकी गलती है कि उसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हुआ मैं फोकस नहीं कर पाया तो मैंने वॉल को प्रॉपरली बिल्ड नहीं किया तो जो किंग है वो बोलते हैं हाँ, हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही बोला है यू आर राइट और केस बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है और हमें इस चीज पे नजर डालनी पड़ेगी वी हैव टू एनालाइज दिस थिंग ऑल्सो वी मस्ट लुक इन टू इट इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज तो किंग बोलते हैं अरे भाई आसान नहीं होता है इतने बड़े यू नो कॉम्प्लिकेटेड केसेस से डील करना और हमें जो है इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल डांसिंग गर्ल की ही गलती है क्योंकि उनके जो एंकलेट्स हैं उनके साउंड की वजह से ये फोकस नहीं कर पा रहे थे ब्रिकलेयर तो इसीलिए उन्होंने वॉल को प्रॉपरली बिल्ड नहीं किया तो ये गलती किसकी है डांसिंग गर्ल की तो ही इज लाइक इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को इतना इजीली सॉल्व करना जो है बच्चों की बात नहीं है

तो किंग जो है वो इनसे इंक्वायर करते हैं क्या ये बात सच है कि जिस दिन ये पर्सन जो है ये जो ब्रिक लेर है वो वॉल बना रहा था उस घर की क्या तुम बार बार उस स्ट्रीट से ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही थी यानी बार बार तुम उस स्ट्रीट से पास हो रही थी क्या डेड यू सी हिम और क्या तुमने इस ब्रिक लेर को देखा था कि वो वॉल बना रहा था और तुम बार बार क्योंकि आना जाना कर रही थी तो तुम्हारे आंकलेट की पायल की आवाज की वजह से ये जो है फोकस नहीं कर पाया अपने काम पे

तुम्हारी गलती है कि वो वॉल जो है प्रॉपरली बन नहीं पाई

कर पाए अपने काम पे एंड दैट इज द रिजल्ट कि थी वह नहीं है

का वो एंड होता है. वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ स्टोरी अब लेटर क्या होता है स्टोरी में वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि exactly क्या इस लेडी को ही पनिशमेंट मिलती है और कोई है जैसे पनिशमेंट मिलती है सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पार्ट वेरी टिल देन टेक केयर ऑफ यूर और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय